दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि कल के दिन हमारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, और साथ ही साथ अगर बात करूं तो 19 तारीख को हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट क्या डिक्लेयर किया जाने वाला है हमारे सीईटी सेल द्वारा। अब यहाँ पे हम पहली बार दे रहे हैं हमारा जो कैपराउंड के लिए हम पहली बार जा रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं कि भैया की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, तो ये दुविधा में हम बहुत ज्यादा फंसे हुए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है, जब आपके साथ आपके अपने प्रदीप सर है, साथ ही साथ आपका अपना प्रदीप गिरी अपडेट यूट्यूब चैनल है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन तुम्हारे दो गोली। अब यहाँ पे आप समझो क्या पता है क्या कि देखो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से मुझे एक चीज याद आ रही है आपकी कि टाइटल में एक चैनल मेंशन है, इसका नाम क्या है, प्रदीप गिरी अकेडमी है, वहां पे आपके इंजीनियरिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स ऑलरेडी बने हुए। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए एक नई नई बैच लॉन्च की जाए तो फटाफट जो 60K की जो फैमिली है उसको 20 आपको 20K प्लस कर दो और 80K की फैमिली क्या बना दो, ताकि हम भी एकदम मोटिवेट हो जाओ, प्रदीप सर क्या है एकदम मस्त तरीके से आपके लिए एक नई बैच का लॉन्च कर दे, आपके एकदम न्यूली फ्रेश फ्रेश लेक्चर्स के आना चालू हो जाए। अब ध्यान दो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है। देखो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे रैंकिंग की बात करता हूँ। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपको रैंकिंग मिलेगा, सही बात है। अब यहाँ पे अगर जो आपकी रैंकिंग आपको जो मिलने वाली है वो आपकी जो फिक्स नहीं रहती है, क्या रहती है, वो फिक्स रैंकिंग रहती है, नहीं रैंकिंग रहती है, वो रैंकिंग आगे चलकर आपकी क्या चेंज होने वाली रहती है, समझ में आ गया। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको ग्रीवेंसेस सबमिट करने का क्या ऑप्शन मिलता है। ग्रीवेंसेस मतलब क्या हो गया सर, कि हो सकता है कि आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से आप शायद इनकम सर्टिफिकेट चलो ले लेते, इनकम सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था, इस वजह से आप TFWS के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन अब आपका इनकम सर्टिफिकेट आ गया तो आप क्या कर सकते हो, आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप TFWS के लिए क्या यस करके आप क्या अप्लाई कर सकते हो। हो सकता है कि आपके पास आपने पहले ओपन में कर दिया क्योंकि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन अब कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना कास्ट सिलेक्ट करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हो, जहां पे आपके एडमिशन बढ़ने के लेने के जो चांसेस होंगे, जो कट ऑफ होगा आपके लिए, वो उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो इस तरह के ग्रीवेंसेस के आपके यहाँ पे का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं रैंक की बात करूं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रैंक्स को देखने मिल जाएगा, आपका जो यूनिवर्सिटी का रैंक है, आपका जो भी होम यूनिवर्सिटी होगा, आपको पता है जैसे मैंने बताया आपकी होम यूनिवर्सिटी होगी उसमें आपका रैंक कितना आ गया, आपका स्टेट रैंक कितना होगा ये आपको पता चलेगा। प्लस साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका ऑल इंडिया मेरिट कितना होगा, अगर आपने JEE के लिए अप्लाई किया होगा या फिर नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन दिया होगा एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसमें आपका मेरिट कितना है, ये सारी चीजें आपको क्या देखने मिलती है दोस्तों। लेकिन ये सारी चीजें एक्यूरेट डाटा रहता है क्या, नहीं ये एक्यूरेट नहीं रहता है। अब बहुत सारे लोग होंगे ग्रीवेंसेस सबमिट करेंगे, हो सकता है जैसे मैंने आपको कंडीशंस बताया, कुछ कोई स्टूडेंट होगा जिसने ओपन में पहले किया होगा, ठीक है अप्लाई, तो उसकी रैंकिंग जो ओपन कास्ट के हिसाब से क्या बनी होगी, लेकिन अब उसने अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया है, अब उसका जो कास्ट था वो ST हो गया, तो उसकी रैंकिंग अब ST के हिसाब से बनेगी, सही बात है। तो एक स्टूडेंट गया तो रैंकिंग में ओपन में भी चेंज होगा और ST में भी चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, हाँ या ना। तो वहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट में ये चीज क्या पक्की होके आ जाती है कि भैया आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो एक्चुअली रैंकिंग कैसा होगा, आपकी रैंकिंग कौन सी है, आपकी स्टेट रैंकिंग कौन सी है, आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन सी। ये यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग होता है ना दोस्तों, वो आपके होम यूनिवर्सिटी के हिसाब से होता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मुंबई सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो मुंबई सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके हिसाब से क्या किया जाएगा, आपकी जो पूरी रैंकिंग होती है वो क्या डिसाइड की जाएगी, ठीक है। फिर वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका जो आपका नेशनल लेवल रैंकिंग कितना है, ये भी आपको क्या यहाँ पे क्या बताया जाएगा, समझ में आ गया। तो ऐसे करके आपका ये फाइनल मेरिट लिस्ट होता है और आपका ये क्या होता है, आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपके बस एक डमी रहता है आपके मेरिट लिस्ट का, जहां पे आपको एक आइडिया दिया जाता है कि आपकी मेरिट लिस्ट ये रहेगी, लेकिन ये आपका हो सकता है ये आपका फिक्स मेरिट नहीं रहता है, ये आगे चलकर चेंज भी हो सकता है, भले आप पे कोई ग्रीवेंसेस ना हो, आप में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कोई और स्टूडेंट होगा तो उसके वजह से भी, देखो मैंने यहाँ पे जैसा बताया आपको रैंकिंग का चेंज होती है, तो यहाँ पे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी एक पक्की जो रैंकिंग है वो आपको देखने का मिल जाएगा, क्लियर हो गया। और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका ऑप्शन फॉर्म का रहता है, तो ऑप्शन फॉर्म के लिए अगर आप बोलोगे कि सर ऑप्शन फॉर्म के लिए एक वीडियो बता दो, फटाफट कमेंट कर दो कि ऑप्शन फॉर्म के लिए जो कॉलेज लिस्ट है वो किस तरह से तैयार करनी है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए क्या बना देंगे दोस्तों।